आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाइटनिंग फेशियल एट होम। ठीक है कि घर में बैठ के आप अपना फेशियल कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल आप घर में बैठ के फेशियल कर सकते हैं, खुद करें, अपने साफ सुथरे हाथों से करें, अपनी चीज़ों से करें। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आजकल जाना बहुत मुश्किल है, और अगर जाते हैं तो वल्नरेबिलिटी जो है वो कोविड की बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बहुत बेहतर है कि आप घर के अंदर अपनी स्किन का ख्याल रखें, घर के अंदर जो है वो फेशियल करें। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि फेशियल क्या होता है। फेशियल जो है इसके 3 मेन पर्पसेस हैं, 3 इसके एडवांटेजेस हैं और 3 इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। वो क्या है? सबसे पहला तो ये है कि ये आपकी स्किन से जो डेड लेयर है उसको हटाता है, जो स्किन के ऊपर डेड सेल्स होते हैं उनको हटाता है। उसके अलावा सेकंड क्या है? सेकंड है जी कि ये डीप क्लिंजिंग करता है, ये आपकी स्किन की गहराई में जाके सफाई करता है। और नंबर 3 क्या है? नंबर 3 ये है कि आपकी स्किन को नरिश करता है, यानी कि आपकी स्किन को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उस तक वो चीज़ें पहुंचाता है। ठीक है, जिस तरह हमें खाने की ज़रूरत होती है, हमें ताकत की ज़रूरत होती है, उसके अलावा हमें इवन विटामिन्स की भी ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमारी स्किन को भी जो है वो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि इसेंशियल्स में आते हैं। तो ये भी उन्हीं को, उसी को हम नरिशमेंट कहते हैं। तो ये स्किन नरिशमेंट में भी हेल्प करता है। अब आ जाता है कि फेशियल कैसे कर सकते हैं। फेशियल के जो मेन स्टेप्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ, मैं पहले भी कहती रही हूँ, मैं अभी भी कह रही हूँ कि फेशियल के किसी स्टेप में ब्लीच नहीं आती। फेशियल के किसी स्टेप में ब्लीच नहीं आती और पूरी दुनिया में नहीं आती। पूरी दुनिया में कहीं पे भी ब्लीच इस्तेमाल नहीं की जाती है स्किन के ऊपर, बट फॉर सम हाउ हमारे यहाँ उसको बेदर्दी से इस्तेमाल किया जाता है। और किसी भी तरह का फेशियल हो, कोई स्किन पॉलिशिंग कह रहा हो, उसके अंदर ब्लीच डली ही होती है। और ब्लीच जो है वो हार्मफुल होती है, और वो इंस्टेंटली तो आपको लगता है कि आपकी स्किन शायद आपको पहले से अच्छी लग रही है, लेकिन वो स्किन को बहुत ख़राब करती है, बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो दो चीज़ें जिनको आपने अवॉइड करना है वो मैं सबसे पहले बता रही हूँ। पहली चीज़ है कि आप ब्लीच, ये किसी स्टेप में, ये फेशियल की किसी स्टेप में ब्लीच इन्वॉल्व नहीं होती। और जो दूसरी चीज़ है वो है स्टीम, अपनी स्किन को डायरेक्ट स्टीम देना। ये वाले दो स्टेप्स, एक तो ब्लीच और एक स्टीम, ये पूरी दुनिया में ऑब्सोलीट हो चुके हुए हैं, यानी कि पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुके हुए हैं। इनको तो आपने करना ही नहीं है और ये आपके माइंड में भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि सबसे पहला स्टेप क्या है। सबसे पहला स्टेप होता है कि आप अपनी स्किन को एनालाइज करें। एनालाइज आपने कैसे करना होता है कि आपकी क्या स्किन टाइप है और आपकी स्किन को क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, कुछ स्किन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली होती हैं, कुछ ऑयली और एक्नी प्रोन होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिन पे एक्टिव एक्नी चल रही होती है, कुछ ऐसी स्किन्स होती हैं कि वो मैच्योर होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कि मैच्योर और ड्राई होती हैं, और कुछ ड्राई होती हैं, मैच्योर ना भी हों तो वो ड्राई स्किन्स होती हैं। ठीक है, हम हर तरह की स्किन टाइप के ऊपर फेशियल कर सकते हैं। एक स्किन टाइप जिसके ऊपर आपने घर में खुद भी फेशियल ट्राई नहीं करना और सलोन तो जाना ही नहीं है, अगर आप चाहें तो आप क्लिनिक पे जाके फेशियल करवा सकते हैं, वो स्किन टाइप है एक्टिव एक्नी वाली। जिस स्किन के ऊपर एक्टिव एक्नी हो वो खुद घर में फेशियल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है उनके लिए। बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है कि वो क्लिनिक में, किसी भी क्लिनिक में जो स्किन क्लिनिक है उस पे जाएं और वहाँ से फेशियल करा लें, खुद से वो लोग फेशियल ना करें। बाकी सब स्किन टाइप्स वाले जो हैं वो घर में बैठे बैठे फेशियल कर सकते हैं। ठीक है, जो फेशियल का सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है? सबसे पहला स्टेप है क्लिनजिंग। सबसे पहले आपने करनी है क्लिनजिंग। क्लिनजिंग जो है वो आपके फेस से मेकअप, आपके फेस से आपका सनब्लॉक, आपका मॉइस्चराइज़र, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपने फेस पे अप्लाई की हुई हो, नॉर्मल रूटीन की चीज़ें हो सकती हैं जैसे मॉइस्चराइज़र होता है या कोई सीरम आपने लगाया होता है या कोई सनब्लॉक लगाया हुआ होता है अगर मेकअप नहीं भी है, तो जो भी चीज़ आपकी स्किन पे लगी हुई है वो आपके पोर्स के अंदर जाके सेटल हो जाती है। तो आपके पोर्स को साफ करने के लिए डीपली आपने सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या लेना है, आपने करनी है जी क्लिनजिंग। मैं आपको यहाँ पे क्लिनजिंग की डिफरेंट तरह की क्लिनजिंग्स जो हैं वो दिखा रही हूँ। ये देखें, ये मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो क्लिनजिंग प्योरीफाइंग जेल दिखा रही हूँ,
और तरीका क्या होता है क्लिंजिंग करने का वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये ऑल स्किन टाइप्स है, मेच्योर स्किन पे भी, यंग स्किन पे भी, ऑयली स्किन भी, सेंसिटिव स्किन, कोई भी स्किन वाला इसको यूज़ कर सकता है। ये मैं आपको पहले भी दिखाती रही हूँ, मैं एक दफ़ा फिर दिखा रही हूँ। ये जो है ये भी किसी भी स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं और इवन जो है वो मेच्योर स्किन या एजड स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। एक और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो है ये उनको यूज़ करनी चाहिए जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, जिनकी स्किन पे वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स बनते हैं या उनकी स्किन के ऊपर दाने भी बन जाते हैं, ठीक है, ये क्लिंजिंग उनके लिए। अच्छा, क्लिंजिंग एक ऐसा स्टेप है जो कि एक्टिव एक्नी वालों को भी ज़रूर करना चाहिए, बल्कि उनको इसलिए करना चाहिए कि जब उनके पोर्स क्लिंज रहेंगे तो आप देखिएगा कि नहीं होते, आपको पिंपल्स कम बनेंगे, ठीक है। ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ क्लिंजिंग जेल। अब ये जो क्लिंजिंग है इसको आपने करना कैसे होता है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हाथों को गीला कर लें प्रॉपरली और उसके बाद वो गीले हाथ जो हैं वो अपनी स्किन के ऊपर, अपने फेस की स्किन और नेक की स्किन के ऊपर थपथपा लें, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिंजिंग जेल को लेना है या जो भी क्लिंजिंग बाम है या क्लिंजिंग क्ले है, उसके बाद आप इसको सारे के सारे टिप्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और उसके बाद आपने इसको जेंटली इस तरह से रब करते हुए पूरे के पूरे फेस के ऊपर यूज़ करना है। क्लिंजिंग जो होती है वो आप अपने आईज़ के अराउंड नहीं करते, उसी तरह से फेस वॉश भी आईज़ के अराउंड नहीं लगाते। आईज़ के ऊपर अगर मेकअप लगा हुआ हो तो वो आई मेकअप रिमूवर्स मिलते हैं, उनसे रिमूव करना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, तो ये होगी क्लिंजिंग, ये हो गया इसका फर्स्ट स्टेप। अब आ जाते हैं हम सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप है जी फेस वॉश। फिर आपने अपने फेस को वॉश करना है। फेस वॉशेस मैं आपको ढेरों ढेर डिफरेंट तरह के दिखाती रहती हूँ, तो फेस वॉश आपका सेकेंड स्टेप होगा। जैसे मैंने आपको बताया था पहले की तरीका कैसे यूज़ करना है, उसी तरह से आपने क्या करना है, अपने हाथ भी गीले कर लेने हैं, उसके बाद आपने अपने फेस को प्रॉपरली गीला करना है, फिर अपना फेस वॉश जो है वो आप यहाँ पे लेंगे, फिर उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर फेस के ऊपर ऐसे लगा के और उसके बाद उसको आप खुले पानी से रिंस कर लेंगे, साफ कर लेंगे उसे, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं जी थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप क्या है, एक्सफोलिएशन। अच्छा, एक्सफोलिएशन जो होती है वो बहुत ज़रूरी है। अंदर ना ग्रीन कलर की वो एंजाइमेटिक पील पड़ी हुई है, वो प्लीज़ ले आए, सामने ग्रीन कलर की पड़ी हुई वो ले आए। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो एक्सफोलिएशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। एक्सफोलिएशन जो होती है वो आपकी स्किन से डेड लेयर को उतारती है। मैं आपको दो तीन तरह की एक्सफोलिएशन दिखाने लगी हूँ और ये सारी की सारी एक्सफोलिएशन जो है ये डिफरेंट स्किन टाइप्स के हिसाब से है, तो अपनी स्किन टाइप के हिसाब से ही आपको बाय करनी होती है, ठीक है। ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ एंजाइमेटिक पील, इससे जो है वो आप एक्सफोलिएट करते हैं, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन के ऊपर जो है वो एक्टिव एक्नी है, वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं या स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है, ठीक है, ये उनके लिए है। अब मैं आपको कुछ और जो है वो दिखाने वाली हूँ एक्सफोलिएशंस। इसमें देखें, ये एक्सफोलिएशन जेल, एक्सफोलिएटिंग जेल जो है ये उन लोगों के लिए है जो बेसिकली जिनके फेस के ऊपर निशान पड़े हुए हैं, पिगमेंटेशन है, अनइवन टोन है, या कलर जो है वो डल हुआ हुआ है, या फिर जो है वो सन टैन हुआ हुआ है, ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। फिर मैं आपको एक और दिखा रही हूँ, ये कोई किसी भी स्किन टाइप वाले जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये भी एक्सफोलिएशन है। एक्सफोलिएशन कितनी देर करनी चाहिए ये भी मैं आपको सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो दोबारा रिपीट करती जाऊँगी। एक्सफोलिएशन जो है ऑब्वियसली आप आईज़ के अराउंड नहीं करते, आप फुल फेस पे और नेक पे एक्सफोलिएट कर सकते हैं, इवन आप अपने हैंड्स एंड फीट पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक और जो है वो पीलिंग जेल दिखा रही हूँ। अच्छा, ये पीलिंग जेल और ये पील, ठीक है, ये जो है ये डीप पीलिंग करती है और ये जो है ये बेसिकली सरफेस के ऊपर करती है। दिस इज़ कॉल्ड एज एंजाइमेटिक पील, जो कि एक्सफोलिएशन कराती है आपकी स्किन की। ये जो है ये डीप पील करती है। इसको आप फेशियल में रखना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो आप पूरे महीने में सिर्फ एक दफ़ा करेंगे, बार बार नहीं कर सकते, ठीक है। इसको भी आप बार बार कर सकते हैं और ये जो मैंने आपको बाकी तीनों दिखाई हैं इनको भी आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये थ्री मैंने आपको दिखा दी हैं। अच्छा जी, अब हो गई हमारी एक्सफोलिएशन। अब जब हमने एक्सफोलिएशन कर ली तो उसके बाद हमने क्या करना है, एक्सफोलिएशन के बाद आप अपने फेस को साफ़ कर देंगे।
सबसे पहले हमने की क्लिनजिंग. क्लिनजिंग जो है वो आपने 10 टू 12 सेकेंड्स करनी होती है, ये मिनटों के लिए नहीं की जाती है, ठीक है, मिनट्स के लिए नहीं होती है, सेकेंड्स के लिए होती है. तो 10 टू 12 सेकेंड्स जो हैं वो मोर देन इनफ होते हैं फॉर फुल फेस एंड नेक, ठीक है. उसके बाद आ जाता है फेस वॉश. फेस वॉश तो आपको पता ही है कितनी देर लगती है, क्या मतलब क्या 3-4 सेकेंड लग जाएंगे उसमें. उसके बाद फिर आ जाता है क्या कहते हैं एक्सफोलिएशन. एक्सफोलिएशन जो आपने करनी होती है वो भी आपने 10 टू 12 सेकेंड्स तक करनी होती है, उससे ज़्यादा आपको नहीं रिक्वायर्ड होती है, उससे ज़्यादा मत करें. और एक्सफोलिएशन जो है वो आपने अपनी आईज़ के अराउंड जो स्किन है उसके ऊपर नहीं करनी होती, ठीक है. उसके बाद आ जाता है जी नेक्स्ट स्टेप. अब आपने इसको वॉश कर दिया, नेक्स्ट स्टेप है फेशियल मसाज. फेशियल मसाज जो है वो बहुत ही ज़रूरी स्टेप होता है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है. क्यों? बिकॉज फेशियल मसाज के थ्रू जो है वो हम अपने मसल्स को एकदम से टोन अप कर लेते हैं, ठीक है. अब जैसे मैं यहाँ पे आपको ये वाली क्रीम दिखा रही हूँ फॉर दी मसाज, ठीक है. आप भी कोई भी मसाज क्रीम भी ले सकते हैं. हमारे पास तो जैसे बहुत सारी हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट दिखा देते हैं. जैसे मैं आपको एक ये वाली दिखा रही हूँ, जिनकी स्किन जो है वो मेच्योर हो या जिनकी स्किन जो है वो थोड़ी ड्राई साइड पे हो वो इसको यूज़ कर सकते हैं. और जिनकी एक्नी प्रोन है या वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स बनते हैं, थोड़ी यंग स्किन है, वो इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. तो ये दोनों मैं आपको मसाज क्रीम्स दिखा रही हूँ जो आपने मसाज के लिए यूज़ करनी है, ठीक है. तो ये वाला स्टेप हो गया मसाज. मसाज कैसे करते हैं और कितनी देर के लिए करना है, 2 मिनट्स इनफ होते हैं. 2 मिनट से ज़्यादा आपको मसाज करने की ज़रूरत नहीं है. ये जो बिल्कुल आपकी छोटी वाली फिंगर होती है उससे आपने अपने आईज़ के अराउंड मसाज करना है. और उसके बाद बेसिकली जो है वो आप अपनी ये 2 फिंगर्स को ज़्यादातर यूज़ करें, ठीक है. ये जो रिंग फिंगर होती है उसको और उसके साथ जो मिडिल फिंगर है उसको आप यूज़ करेंगे. तो आपने इस डायरेक्शन में मसाज करनी है, इधर से इस डायरेक्शन में करनी है, और ये नेक के लिए आपने इधर करनी है, और ये भी आपने आउटवर्ड एंड अपवर्ड ही करनी है, ठीक है. तो इस तरह से जो है वो आपकी मसाज की डायरेक्शन होगी. बट 2 मिनट से ज़्यादा मसाज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी. ये हो गया. अब इसके बाद क्या स्टेप आता है, मसाज जब आपने कर ली तो उसके बाद आपने हल्का सा पानी लगा के इसको हटा दिया जो एक्सेस है. जो अगर आपके ऊपर एक्सेस बच गया है मॉइस्चराइज़र का, मसाज क्रीम का, तो वो आपने हटा देना है. आप टिश्यू पेपर से हटाएंगे, पानी से वॉश करने की ज़रूरत नहीं, ठीक हो गया. जब आप वो कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, जी हाँ, नेक्स्ट स्टेप है मास्क. अब मैं आपको डिफरेंट तरह के मास्क दिखा रही हूँ, ठीक है. इसको देखें, ये जो है ये डायरेक्ट अप्लाई करने वाला मास्क है और इसको आपने 20-30 मिनट्स लगा के रखना है और उसके बाद आपने इसको वॉश करके उतारना है, ठीक है. इसके अलावा जो है वो पील ऑफ मास्क भी होते हैं. जैसे मैं ये दिखा रही हूँ, ये पील ऑफ मास्क है, इसको आप लगाएंगे, ये ड्राई हो जाएगा तो इसको आपने अपवर्ड डायरेक्शन में पील ऑफ कर लेना है, इसको आप खींच के उतारते हैं, ठीक है. उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ शीट मास्क. ये देखें, ये जो है ये शीट मास्क हैं, ये उन लोगों के लिए शीट मास्क है जिनकी स्किन थोड़ी ड्राई है या थोड़ी मेच्योर है और या फिर उसके ऊपर पिगमेंटेशन है और वो ब्राइटनिंग चाहते हैं, ठीक है. ये जो है ये उनके लिए है जिनकी स्किन पे वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स होते हैं और ऑयली स्किन है, ठीक है, थिक स्किन है, ऑयली स्किन है, ये उनके लिए है. ये जो मैंने आपको पहले दिखाया था ये बेसिकली उनके लिए है जो कि जिनकी स्किन पे एक्टिव एक्नी है. तो ये एंटी एक्नी हेल्प करता है या फिर इसलिए भी होता है कि आपकी स्किन डिटॉक्सिफाई हो जाए, आपके पोर्स जो हैं उनके अंदर तक इसकी मेडिसिन चली जाए. तो ये एक्टिव एक्नी वालों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है जी. और ये जो है ये स्किन लाइटनिंग मास्क है, कोई भी किसी भी स्किन टाइप वाले इसको यूज़ कर सकते हैं. तो ये देखिए मैंने आपको डिफरेंट तरह के मास्क जो है वो दिखा दिए, ठीक है. मास्क जो है वो 15 मिनट से लेके 30 मिनट्स तक लगाया जाता है. अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ, जैसे इसको वॉश करके उतारना पड़ता है उसी तरह से जो पील ऑफ मास्क हैं उनको यूजुअली पील ऑफ कर लेते हैं उनको स्किन से उतार लेते हैं और उसके बाद वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. और जो शीट मास्क होते हैं इनको तो वॉश ही नहीं करते. इनको जब आप उतारेंगे हटाएंगे तो जो एक्सेस आपकी स्किन पे लगा हुआ होगा वो सारे का सारा आप इधर उधर लगा के एब्जॉर्ब करा लें, ठीक है, वॉश नहीं करना. ये तो हो गया जी ये वाला स्टेप कि हमने मास्क लगा दिया. अब मास्क के बाद किस चीज़ की बारी है, मास्क के बाद बारी आती है जी टोनर की. यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही टोनर दिखा रही हूँ, बहुत सारे टोनर्स हैं, मैं बहुत दफ़ा दिखा चुकी हुई हूँ. बट मास्क के बाद जो नेक्स्ट एसेंशियल स्टेप है दैट इज ए टोनर. तो आपने टोनर को डेफिनेटली यूज़ करना है. जब आप टोनर को यूज़ कर लेंगे तो टोनर को यूज़ करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़
सीरम, फिर उसके बाद आपने सीरम लगाना है। किसी भी तरह का सीरम लगाया जा सकता है और स्किन टाइप के हिसाब से ही आपके पास होना चाहिए। विटामिन सी का सीरम लगाया जा सकता है। उसके अलावा ब्लैमिशेज और एक्ने वाली स्किन वाले जो होते हैं वो बेसिकली जो है वो नायसिनामाइड लगा सकते हैं। जो अपनी स्किन को ब्राइटन अप करना चाहते हैं वो विटामिन सी लगा सकते हैं या अल्फ़ा एल्ब्यूटिन लगा सकते हैं। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, ऊपर से फाइन लाइंस हैं या रिंकल्स हैं, वो हाइलुरोनिक एसिड का लगा सकते हैं। तो डिफरेंट तरह के सीरम्स अवेलेबल होते हैं, तो आप वो सीरम लगा सकते हैं, ठीक है। और सीरम लगाने के बाद क्या करना है, क्या उसके बाद भी कोई स्टेप रहता है? जी हाँ, उसके बाद जो लास्ट स्टेप है आपका वो आ जाता है मॉइस्चराइज़र, ठीक है। अच्छा, मॉइस्चराइजर्स डिफरेंट तरह के होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये पोर रिफाइनिंग मॉइस्चराइज़र है। जिनकी स्किन के ऊपर ओपन पोर्स होते हैं वो ये वाला मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। आप कोई भी अपनी स्किन टाइप के हिसाब से मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। और मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद एक और स्टेप क्या होगा कि जिस वक्त आपने मॉइस्चराइज़ कर लिया, तो अगर डे टाइम है तो उसके बाद आप सनब्लॉक लगाएंगे। अगर शाम हो चुकी हुई है, मगरिब गुजर चुकी हुई है, तो उसके बाद आपको किसी भी सनब्लॉक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे हैं एसेंशियल स्टेप्स जो कि घर में आप कर सकते हैं अपने लिए और फेशियल कर सकते हैं, स्किन को हेल्दी रख सकते हैं, स्किन को ब्राइटन अप कर सकते हैं, स्किन को वाइटन अप कर सकते हैं। स्किन वाइटनिंग भी होती है और उसके अलावा डेड स्किन उतरती है। तो जो चीज़ें आप अपनी रूटीन में लगा रहे होते हैं उन सब की एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है और उससे स्किन जो है वो बहुत हेल्दी और बहुत ब्राइटन अप और बहुत अच्छी रहती है, ठीक है जी। एक दफ़ा फिर से मैं स्टेप्स जो हैं उनको रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट स्टेप है क्लिनजिंग, सेकेंड स्टेप जो है वो है फेस वॉश, जो थर्ड स्टेप है वो है एक्सफोलिएशन, जो फोर्थ स्टेप है वो आ जाता है मसाज, और उसके बाद जो फिफ्थ स्टेप है वो आ जाता है मास्क, और सिक्स्थ स्टेप जो है वो आ जाता है टोनर, और टोनर के बाद जो सेवन्थ स्टेप होता है दैट इज़ योर सीरम, और सीरम के बाद आ जाएगा मॉइस्चराइज़र। तो ये हो गए जी हमारे एसेंशियल एट स्टेप्स जिनको करके आप घर में बेहतरीन फेशियल कर सकते हैं। और कोई आपको ये नहीं होगा कि ये मल्टीपल यूज़ की चीज़ें हैं या किसी के हाथ लग रहे हैं, आप खुद कर रहे होंगे। और मैं आपको बताऊं, जो टेलर मेड होगा, मतलब आपकी ज़रूरत की चीज़ें और सूटेबल चीज़ें आपको दी गई होंगी और उसके थ्रू आप कर रहे होंगे, डेफिनेटली उसका रिज़ल्ट ऑसम होता है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है।